सिर्फ लोगों की हिंसा के विजुअल है, या खबरों की पट्टी में सही लिखा है कि भीड़ ने हिंसा की, तो क्या लिखे? भीड़ की हिंसा के प्रत्युत्तर में पुलिस को हिंसा करनी पड़ी, क्योंकि वही उपाय है, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा। लेकिन मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, आप तो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा जानते हैं, तो आप जो कह रहे हैं वही सबको मत। मेरे हिसाब से आपको संयुक्त राष्ट्र का महासचिव बना देना चाहिए, अमेरिका का राष्ट्रपति, भारत का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, सारे हाईकोर्ट का भी चीफ जस्टिस आपको बनना चाहिए, सारी पार्टियों का अध्यक्ष आपको बना देना चाहिए, संसद का स्पीकर, प्रधानमंत्री भी चाहे तो आप बन जाइए, या मन हो तो राष्ट्रपति बने, मतलब 1.5 लाख पोस्ट जो होता है ना वो सारा आप बन जाइए रवि जी, उसका आप जो बयान दें वो बोले पूरे विश्व में लागू होना चाहिए, तभी कुछ बदलाव आ सकता है, मतलब आप जिस तरह का बदलाव चाह रहे हैं। आगे लिखते रवि जी, शब्द को आप पकड़िएगा, जो भी है कुछ प्रदर्शनों में कुछ लोगों को बेलगाम होते देखा जा सकता है। अभी कुछ के क्या मायने, मतलब 10,000 में 3 लोग कुछ होगा या 10,000 में 3,000 लोग कुछ होगा, ये क्लैरिटी लाने की जरूरत है। और ऐसा नहीं होता कि 10,000 आदमी एक बस को घेर के आग लगाता है, बस को घेर के 4-5 आग लगाता है, भीड़ उन्हें प्रोटेक्ट करती है, क्या भीड़ ने उन्हें अपने सामने से निकाल के पुलिस के हवाले किया कि ये लोग जो आग लगा रहे हैं? तो इसलिए उस भीड़ को क्लीन चिट नहीं मिल जाता, क्योंकि उसके भीतर कुछ लोग ये काम कर रहे हैं, कुछ ही लोग तो ये काम करते हैं, 10 बस को जलाने के लिए 10,000 लोग नहीं घेर के आग लगाएंगे, खुद ही चल जाएगा इस चक्कर में, इतना दिमाग तो है बम, नहीं इतना दिमाग तो नहीं है, सीलमपुर वाला का तो हाथ में ही बम फूट गया था, क्या फिर भी मानते हैं कि कॉमन सेंस होता होगा कि 10,000 आदमी एक बस को घेर के एक साथ आग नहीं लगा, तो 4-5 आदमी का ही काम होता है, वही लोग करते हैं, वो दिख रहा है और उनकी पहचान कपड़ों से हो जाती है। आगे रवि जी लिख रहे हैं कि दरियागंज से 2 वीडियो घूम रहे हैं, एक वीडियो रात का है जिसमें गली में किसी को घेर कर मार रहे हैं, वो चीख रहा है फिर भी मारे जा रहे हैं, पुलिस के बारे में, मतलब दंगाई को पुलिस जब पकड़े तो पहले गाल पे ले एक चुम्मा, फिर तहने वाले पे एक चुम्मा ले, और उसके आगे कि मेरी एक भतीजी है उससे शादी करोगे क्या, मतलब पुलिस का ये एटीट्यूड होना चाहिए दंगाइयों को, पुलिस को मार के सही में तोड़ देना चाहिए लोगों को जो आग लगा रहे हैं, बाद में तो जहाँ होगा वो केस बनेगा उसका देखा जाएगा, पहले तो इनका हाथ तोड़ दो ताकि वो पत्थर ना उठा सके, अगर वो पत्थर उठाते देखे गए और आप पे तान के खड़े, पहले तो रिटेलिएटरी तो इसी तरह से होनी ही चाहिए। और मैं इतना कहने के बाद फिर जैसे कि रवि जी ने बड़ी ही चतुराई से इसलिए अंत में कह दिया कि हिंसा जाए किसी भी तरह से जायज नहीं, तो मैंने भी जो अभी इतनी हिंसक बातें बोली हैं मैं अपनी कड़ी निंदा करता हूँ, मुझे ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी कि पुलिस को हाथ तोड़ देना चाहिए किसी को, ये बहुत ही खराब बात है और अजीत भारती जी को इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए पूरे देश। आगे रवि जी लिखते हैं, जो भी है पुलिस को हिंसा की छूट है। अरे नहीं रवि जी, जो भी है एक समुदाय को हिंसा की, आगजनी की, हत्या की, हलाल करके रेतने की छूट है, और आप लोग उस पर डिफेंड करते हैं, हर दिन करते हैं डिफेंड, उनके बारे में कुछ नहीं लिखते, या तो चुप रहते हैं या जिहादियों को स्टूडियो में बुला जाओ हीरो बनाते हैं, तो हिंसा की छूट पुलिस तो बस बैठ के हावी हो रही है, पुलिस ने तो अपना काम करना शुरू किया, जो डिफाइंड इन द लॉ है, कानून में जो पारिभाषित है उस नियम से, उस कानून से पुलिस चल रही है, उनको तोड़ रही है, माफ कीजिएगा पकड़ रही है। आगे लिखते हैं कि लोगों को